Hello, students. Welcome to the online study program of our school. Now, in this video, we will discuss chapter number 8 of your science book Wind, Storm, and Cyclone. Okay, let's start the chapter. Listen carefully. ओडिशा वाज़ हिट बाय अ साइक्लोन विद अ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18th अक्टूबर 1999 ओडिशा के अंदर एक साइक्लोन आया था उसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर 18th अक्टूबर 1999 के अंदर एंड द साइक्लोन स्मैश्ड साइक्लोन के कारण 45000 हाउसेस एंड 7 लाख पीपल होमलेस ओके बहुत सारे जो 7 लाख पीपल हैं उनके घर नष्ट हो गए थे ठीक है ऑन ट्वेंटी नाइन ऑक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ टू हंड टू हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर पार आट उड़ीसा अगेन और उसी साल ट्वेंटी नाइन अक्टूबर के अंदर वापस से उड़ीसा के अंदर तूफान आया और उसकी स्पीड थी टू हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर इट वॉज अकम्पाइंड बाय वाटर वेव्स अबाउट नाइन मीटर हाई जो वाटर वेव्स थी उस समय वो नाइन मीटर हाई थी थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइव थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने अपना जीवन इसमें नष्ट खराब हो गया था उनका जीवन नष्ट हो गया था प्रॉपर्टी वर्थ जो प्रॉपर्टी थी वो खराब हो गई थी करोड़ रुपीज वेस्टोर बहुत सारे करोड़ों रुपए इसमें नष्ट हो गए थे द साइक्लोन अफेक्टेड साइक्लोन के कारण एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब कुछ नष्ट हो गया था बट व्हाट आर साइक्लोन हाउ आर दे फॉर्म पर साइक्लोन होते क्या हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव वो इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं इन द चैप्टर वी शैल सी आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस के हम आंसर्स आइडेंटिफाई करेंगे ढूंढेंगे एंड वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज involving air and these activities will clarify some basic feature concerning our cyclone before we begin remember that the moving air is called the wind okay to so, तो इस, इस जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे एक्टिविटीज समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि aakhir ye cyclone कैसे आता है okay तो so, यहाँ पे फर्स्ट एक एक्टिविटी है उसमें बताए एन एयर exert प्रेशर जो हवा होती है वो प्रेशर exert करती है तो इसके लिए आपको क्या करना है एक टिन लेना है विदिड ढक्कन होना चाहिए उसको अप्रोक्सीमेटली हाफ आपको पानी से भरना है उसको हीट करना है विद अ कैंडल फ्लेम ओके टिल द वॉटर बॉइल जब तक कि पानी गर्म नहीं हो तब तक आपको उसको हीट करते रहना है और उसके कुछ समय बाद आपको क्या जो लिड है वो हटा देनी है एंड वी केयरफुली हैंडलिंग द हॉट केन और जो अब अब पानी वो गर्म हो गया है जो केन है वो भी गर्म हो चुका है तो आपको इजीली उसको बहुत ही केयरफुली तरीके से उसको पकड़ना है पुट द केन केयरफुली इन अ शेलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन पोर फ्रेश वाटर ओवर द केन और जो केन के ऊपर आपको ठंडा पानी डालना है तो वट हैपन्स टू द शेप ऑफ द केन देखेंगे शेप जो है वो केन का क्या हो गया देखिए क्या हुआ आपको दिख रहा है पिक्चर के अंदर कि कैन विद हॉट वाटर बींग कूल्ड अब उसको ठंडे पानी से उसको ठंडा किया है कैन यू गैस द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड क्यों जो शेप है वो क्यों उसका खराब हो गया इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन के अगर आपको टिन के नहीं मिलता है टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोटल एक सॉफ्ट प्लास्टिक और एमटी द बॉटल एंड इमिजिएटली कैप इट टाइटली पानी को खाली करके आपको जो कैप लगा देनी है प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वॉटर वापस रनिंग वॉटर पे आपको बॉटल को डालना है रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसिस वेन यू फ्लाई अ काइट ड विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प आप जब भी कभी आपने पतंग उड़ाई हो तो आपने देखा होगा जो पीछे से अगर हवा आ रही है तो आपकी पतंग उड़ने में वो हेल्प करती है इफ यू आर इन अ बोट और अगर आप बोट पर होते हैं इज इट इजियर टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू अगर पीछे से हवा आ रही है बोट चला रहे हैं आप तो वो आपके लिए हेल्पफुल होती है क्या डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड और जब भी बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो आप जो साइकिल है वो चला सकते हैं

ऑल दिसंस शोज दैट एयर एक्ट प्रेशर ये जो सारे एक्सपीरियंसिस हमने पढ़े ये हमें बता रहे हैं कि हवा प्रेशर को एक्ज करती है एंड इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ द ट्रीज और इसी के कारण लीवस ऑफ द ट्रीज बैनर्स और फ्लैग फ्लटर वेन द विंड ब्लोइंग जब हवा बहुत तेज चलती है तब जो Uh, हवा की हवा के कारण ट्रीज की जो लीव्स हैं वो हिलती हैं जो भी फ्लैग्स हैं वो हिलते हैं एंड यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच यू विच शो दैट एयर प्रेशर और कुछ बहुत ज्यादा एग्जांपल और भी आप लिख सकते हैं जो आपको बताएंगे कि हवा के अंदर प्रेशर होता है ओके okay? नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी दे रखी है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्बाइंड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है तो वो प्रेशर को रिड्यूस भी करती है ठीक है देखिए इसमें एक्टिविटी में क्या दिया क्रम्पल ऑफ पेपर टू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ एंड एम्प्टी बॉटल एक आपको स्मॉल पेपर का पीस लेना है उसको राउंड करना है ठीक है और उसको एक खाली बॉटल के अंदर डालना है होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस बॉल जस्ट इन साइड इट्स माउथ नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इन टू द बॉटल ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस जो अलग अलग साइज की बॉटल होती है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको रखना है ठीक है चैलेंज चैलेंज योअर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल बाय ब्लोइंग इन टू द बोटल पहेली एंड बुजो आर थिंकिंग अबाउट द्वेश्चन जो पहेली और बूजो है ये इतने सारे क्वेश्चन के बारे में सुन रहे हैं वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इन टू द बोटल किसी भी बॉटल को फोर्स पेपर को फोर्स करने में इतना टाइम क्यों लगा ओके तो अब इसकी एक्टिविटीज एट पॉइंट थ्री के अकॉर्डिंग हमें समझने के मिलेगा ब्लो द बलून्स आपको बलून्स फुलाने हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज इक्वल साइज के अंदर हवा भरकर आपको दोनों को धागे से बांध देना है बलून एट टू टेन सेंटीमीटर अपार्ट ऑन साइकिल स्पोक और स्टिक साइकिल स्पोक और स्टिक की हेल्प से उसको बांध देना है ब्लो इन द स्पेस बिट्वीन द बलून वट डिड यू एक्सपर्ट व्हाट है बलून टू सी वॉट है आइडेंटिफाई करना है कि क्या होता है उस बलून का ठीक है नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट होल्ड स्ट्रिप ऑफ पेपर एक पेपर की स्ट्रिप आपको लेनी है ट्वेंटी सेंटीमीटर लंबी और थ्री सेंटीमीटर चौड़ी बिट्वीन योर थम एंड फोर फिंगर्स ओके okay, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है आपको उसको आपको फिर ब्लो करना है ठीक है तो पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप तो था, पहली कहती है जो स्ट्रिप है वो ऊपर उठेगी एंड वो जो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन वो जो कहता है नहीं स्ट्रिप नीचे जाएगी व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन तो आपको ये ऑब्जर्वेशन खुद करनी है कि क्या आपने क्या महसूस किया वर द ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट जो ऑब्जर्वेशन था वो जो हमने लाइन्स पड़ी उसके अकॉर्डिंग था डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज अ कंपाइंड बाय रिड्यूज एयर प्रेशर की जो विंड एयर प्रेशर के कारण जो स्पीड है वो कम हुई क्या when we blow into the mouth of the bottle the air near the mouth has higher speed जब हम बोतल से हवा भर रहे थे तो हमने क्या देखा कि जो माउथ के पास में हवा ज्यादा थी तो वो जो बॉल हमने बनाई थी पेपर की वो वो ज्यादा मूव कर रही थी एंड दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर एंड द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर द माउथ इसीलिए जो प्रेशर है वो ज्यादा हाई था एंड द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट इसी कारण जो बॉल का प्रेशर है उसके कारण बॉल है वो बाहर आ रही थी ओके okay. नेक्स्ट हमने 8.3 एक्टिविटी में देखा कि जो बलून्स थे ये बलून का एयर प्रेशर क्यों बढ़ा आगे कंप्लीट हुआ क्योंकि द प्रेशर इनसाइड द आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टू ईच अदर जो बलून का प्रेशर था वो दोनों को एक तरफ खींच रहा था और एक्टिविटी फोर में जो एट पॉइंट फोर थी उसमें जो स्ट्रिप थी पेपर स्ट्रिप थी वो वेंट टू बैंट हो रही थी ठीक है वेंट अपवर्ड ऊपर की तरफ क्यों हो रही थी अगेन दिस कुड़ हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर द स्ट्रिप जो स्ट्रिप का जो प्रेशर है वो वो ज्यादा रिड्यूस कर रही थी ठीक है तो ये सब एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा कि इसकी जो इंक्रीज स्पीड होती है विंड की वो जरूरी है किसी भी एयर प्रेशर को कम करने के लिए ओके ये आप एक्टिविटी और कर सकते हैं देखिये की विंड क्या होता है वेन एयर मूव जब कोई हवा चलती है उसको हम विंड कहते हैं एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो जो हवा है वो मूव करती है ठीक ठीक है है हाई रीजन रीजन टू लो द द द ग्रेटर डिफरेंस इन प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर नेचर के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट होता है तो वो हम इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग जो हवा होती है गर्म करने पर

टेक द ट्यूब आउट लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर एंड टेक सम आइस कोल्ड वॉटर इन अनादर बीकर एंड द प्लेस द ट्यूब विदून इन कोल्ड फॉर टू टू थ्री मिनट ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून तो आपको ऑब्जर्व करना है एक ठंडे पानी में एक गर्म पानी में और एक आइस वाले पानी में आपको ऑब्जर्व करना है कि जो बलून है वो किसमें उसका जो फिगर है वो चेंज होगा थिंक कैन आंसर वट मेक्स द बलून इनफ्लाटेटेड इन वाटर एंड वाई द सेम बलून ट्यूब इज कैप्टन कोल्ड वॉटर कैन वी इन्फर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दर ऑन जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो हमें बता रहा है कि जो गर्म पानी था वो गर्म भाव के कारण बलून फूला तो एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग ओके एंड कैन यू नाउ स्टेट वॉट टू द एयर इन दॉयलिंग ट्यूब इट कुल्स डाउन और जब बॉइलिंग ट्यूब ठंडी हुई तब उसका क्या फर्क पड़ा ओके तो वो नीचे आ गया उसका टेम्परेचर नीचे आ गया नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपको क्या करना है दो पेपर बैग लेने हैं ओके okay? और या फिर एमटी पेपर कप्स लेने हैं सेम साइज के उसको आपको टांग देना है फिगर के अकॉर्डिंग आपको उसको करना है उल्टा करके आपको टांग देना है ठीक है और उसको बांध देना है मेटल या वुडन स्टिक के ऊपर ठीक है टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एक थ्रेड का पीस लेना है आपको इन द मिडिल ऑफ द स्टिक होल्ड द स्टिक बाय थ्रेड एज इन बैलेंस

कि बैक को ऊपर तक पहुंचाएगा डज द डिस्टर्बेंस लाइटर देन द कोल्ड एयर ये हमें बताती है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप आप कभी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो स्मोक होता है धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों उठता है ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपांड एंड अकोपाइज मोर स्पेस जो हवा होती है गर्म होने पर ऊपर उठती है और ज्यादा स्पेस घेरती है वैन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर एंड द वार्म एयर इज बिफ देयर फोर लाइटर देन द कोल्ड एयर इसलिए जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है वो ऊपर उठती है एंड दिस इज दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप इसी कारण जो स्मोक होता है धुआं होता है वो ऊपर की तरफ उठता है इन नेचर देयर आर सिर्व सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइज एट अ प्लेस एंड द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड एंड द एयर कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज इन टू द फेलिड स्पेस एंड दिस से कन्वेक्शन एयर एयर और ये जो प्रोसेस है ये हमें कन्वेक्शन करेंट बताती है नेचर के अंदर ओके थैंक यू